तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार यानी कि 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी थालापति विजय की फिल्म लियो, जिसने सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिलहाल फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 7वां दिन चल रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं थालापति विजय की फिल्म लियो इंडिया के अंदर अपने पहले 6 दिनों में तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम सभी भाषाओं में टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, ओवरसीज से फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है और कुल मिला के अपने पहले 6 दिनों में पूरे वर्ल्ड में फिल्म लियो कितनी कमाई कर चुकी है और आज अपने 7वें दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कारनामा करने वाली है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप थालापति विजय को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिल्म लियो की, तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। आप सिर्फ यहां पे यह समझ लीजिए कि अगर ओवरसीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोई फिल्म है तो सबसे पहले नंबर पर आती है प्रभास की बाहुबली 2, उसके बाद शाहरुख खान की जवान, उसके बाद शाहरुख खान की पठान और चौथे नंबर पर यहां पे लियो बाजी मार रही है। यानी कि अब तक बॉलीवुड की और साउथ की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है, लियो फिल्म ने तमाम बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडिया में कमाई नहीं कर रही है, इंडिया की कमाई भी देखकर सभी हैरान है, क्योंकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर खास करके तमिल और तेलुगु में फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था SS ललित कुमार ने। अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो काफी हाईफाई बजट था फिल्म का, लगभग 250 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनी थी, लेकिन फिल्म ने अपने पहले ही दिन से जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया वो वाकई काबिले तारीफ था, क्योंकि दशहरा की छुट्टी का फिल्म लियो ने पूरा फायदा उठाया और यही वजह है कि अपने वीकेंड पर एक अच्छा कलेक्शन करने के बाद मंडे और ट्यूजडे भी फिल्म का शानदार रहा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म को 6 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज फिल्म का 7वां दिन है। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में 64 करोड़ 80 लाख रुपए की नेट कमाई की थी। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 148 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा था। दूसरे दिन फिल्म ने कमाई थे 35 करोड़ 25 लाख रुपए। तीसरे दिन फिल्म की कमाई थी 39 करोड़ 80 लाख रुपए। चौथे दिन फिल्म का जो कलेक्शन था वो था 41 करोड़ 55 लाख रुपए। उसके बाद पांचवें दिन फिल्म की कमाई रही 35 करोड़ 70 लाख रुपए और 5 दिनों की जो टोटल ऑफिशियल कमाई थी वो हो चुकी थी इंडिया के अंदर 217 करोड़ 10 लाख रुपए। जहां दोस्तों, ये सभी भाषाओं की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पांचवें दिन का जो कलेक्शन था पूरे इंडिया से वो 35 करोड़ 70 लाख रुपए था। तमिल से फिल्म ने 31 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी, तेलुगु से फिल्म ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई की थी, हिंदी भाषा में फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ 85 लाख रुपए और कन्नाडा भाषा में फिल्म ने कमाए थे लगभग 2 लाख रुपए। तो फिल्म की पांचवें दिन की जो टोटल कमाई थी पूरे इंडिया से वो 35 करोड़ 70 लाख रुपए थी। तो फिल्म का जो पूरे इंडिया में सभी भाषाओं में टोटल कलेक्शन था वो 217 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुका था। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 256 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 160 करोड़ रुपए और कुल मिला के रिकॉर्ड तोड़ अपने पहले 5 दिनों में 416 करोड़ रुपए फिल्म लियो ने पूरे वर्ल्ड से कमा लिए थे। अब अगर मैं बात करूं 6वें दिन की, तो दोस्तों 6वें दिन फिल्म का ट्यूजडे था, तो 6वें दिन फिल्म की कमाई रही लगभग पूरे इंडिया से 32 करोड़ रुपए की, जो कि आपने देखा होगा फिल्म भी रिलीज होती है लेकिन 6वें दिन अपनी इतनी कमाई कोई भी फिल्म नहीं कर पाती है, लेकिन लियो ने ये करके दिखाया। और हालांकि आपको एक हैरानी और होगी, हिंदी भाषा में उतना कोई खास कलेक्शन ये फिल्म नहीं कर रही है, ये सिर्फ तमिल और तेलुगु में चल रही है और वाकई इस फिल्म ने पूरी तरह से तहलका मचा रखा है। तो 6वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 32 करोड़ रुपए का। और बात करूंगा मैं 7वें दिन की, तो दोस्तों आज वर्किंग डे है, कोई भी छुट्टी का दिन नहीं, यानी कि हॉलीडे पूरा खत्म हो चुका है, तो आज 7वें दिन ये फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर रही है। तो फिल्म का जो 7 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 265 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 करोड़ रुपए कर रही है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तो सुपरहिट चल रही है, क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास का था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने फिल्म लियो देखी है तो आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।